नमस्ते। मैं कल का वीडियो डाला हूँ, उसमें देखो बजाज फाइनेंस का हाइपोथेसिस किए थे। उसमें आज ये जो लो है ना, ये जो लास्ट शॉर्ट है 7845, इधर से इसका बाई होना चाहिए, इधर से ये बाई होना चाहिए। तो मैं ऑर्डर डाल दिया हूँ उधर 7845 पे, तो उसका ऑर्डर डाला है। देखेंगे क्या मेरा, मतलब उधर तक तो आना ही है, उधर आके मेरा ऑर्डर को लेके, मतलब अगर ऊपर जाना है तो जाएगा, नहीं तो ये डे लो इज़ द स्टॉप लॉस। ओके, दैट इज़ द स्टॉप लॉस। कल का जो डे लो है दैट इज़ द स्टॉप लॉस, तो उसको टच नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे क्या होता है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वैसे ही ये खुला था आज, तो देखेंगे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, वेदर वी कैन मेक अ एंट्री हियर, मतलब ये लो पे, नहीं तो ये हाई पे हम कर सकते हैं। अभी कंफर्म होना चाहिए, हाँ जो कुछ भी है कंफर्म होना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं हुआ, अगर इधर आया तो डेफिनेटली बाई है, हाँ मतलब इधर करना है नहीं करना है पता नहीं है, तो देखना पड़ेगा। ओके, लेट्स वेट। ओके, फाइन। निफ्टी भी ऊपर जाना चाहिए आज, मतलब वीकली कल होता उसके ऊपर खुला है, सो देट शुड बी द सपोर्ट। देखेंगे, हाँ अदानी इंटरप्राइजेस में एक शॉर्ट आना चाहिए, एक गिरावट आना चाहिए, मतलब कल का जो लास्ट शॉर्ट था ना, इधर तक का इसका टारगेट है, एक अच्छा खासा फॉल इसमें आना चाहिए एज पर 3G। ओके, इधर तक तो आना चाहिए ये, मतलब देखेंगे, लेट्स सी वेदर किस में ट्रेड कर सकते हैं बोल के। मेटल इज वेरी अदानी इंटरप्राइजेस इज द बेस्ट ट्रेड टू ट्रेड बॉस, क्या है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, आई विल अपडेट यू। हाँ, जो भी करेंगे 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में करेंगे। हमारा जो ये है कैपिटल 1 लाख में, 1 लाख का एक ही है, क्या है, क्या है 1 लाख का 1000 का रिस्क है, अगर मिला है तो 3-4000 तो मिनिमम मिलना चाहिए। देखेंगे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, मैं अपडेट करता हूँ आपको। चलो, मेरा सारा कैपिटल को यूज़ कर दिया, फाइन। दोनों में 500 रुपीज़ का रिस्क है, अदानी इंटरप्राइजेस में 6 रुपीज़ का रिस्क है, 73 पे इसका स्टॉप लॉस है, मेरा एंट्री बना है 67 पे। ओके, हाँ, बाद में बजाज फाइनेंस में 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। मैं क्या लेवल है बता देता हूँ भाई, देखो इसको हटा रहा हूँ सब कुछ। जब ये ऊपर गया था ना, लास्ट बाइंग हुआ था ये लेवल पे, लास्ट बाइंग, अगर गिरना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, एग्जैक्टली इसी को टच कर दिया बाद में, तो ये लेवल था। बाद में इसका इम्पोर्टेंट कैंडल कौन सा, ओके ये इम्पोर्टेंट लेवल था ना, ये इसका था, इधर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। ओके, मैं ये रेजिस्टेंस को खरीदा हूँ। ओके, दिस ये जो रेजिस्टेंस है इसको खरीदा हूँ, तो ये अभी ऊपर मूव होना चाहिए, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, ये अभी ऊपर मूव होना चाहिए। हाँ, अदानी इंटरप्राइजेस इनफैक्ट सब कुछ मार्केट अप में है, मार्केट अप में है, मतलब इसको नीचे गिरना है एज पर 3G। ओके, 73 इसका स्टॉप लॉस है, अभी ये नीचे गिरना चाहिए। ओके, तो इसमें 73 पे इसका स्टॉप लॉस है, बजाज फाइनेंस में 500 रुपीज़ का रिस्क है, तो देखेंगे कैसे ये मूव होगा। ओके, मैं कल का जो एनालिसिस हाइपोथेसिस का पार्ट है एक पार्ट डाला हूँ, अभी इवनिंग में सेकेंड पार्ट डाल देता हूँ, उसको देखना। ओके, 1000 रुपीज़ का रिस्क है, मिनिमम 4-5000 तो प्रॉफिट होना चाहिए इसमें। हाँ, देखेंगे क्या होता है, बजाज फाइनेंस में एटलीस्ट ये लेवल को तो टच करना ही है। ओके, ये लेवल को, हाँ 79970, मतलब इसको इधर मॉनिटर करना पड़ेगा, नहीं तो ये हाई भी तोड़ सकता है। मतलब ये मेरा टारगेट है अदानी इंटरप्राइजेस में, इसका जो टारगेट है जो लास्ट शॉट बना था किधर, ये वाला। ओके, दिस इज़ द टारगेट, मैं इसको लेके जाने का कोशिश कर रहा हूँ, इधर तक गिरना चाहिए, मतलब देखेंगे क्या होता है। ओके, फाइन, ये इसका टारगेट है, देख लेते हैं क्या कैसे ये मूव होगा, बजाज फाइनेंस में अपसाइड मूवमेंट ये इसका टारगेट है। ओके, चलो भाई मिलते हैं। हाँ, ये वीडियो देख लो, अगर गया तो 1000 रुपये जाएगा। देखो स्टॉप लॉस तो होता है, अगर मेरा एनालिसिस गलत है तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली होगा। ओके, होने दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर गया तो 1200 आसपास में जाएगा, जाने दो, नो प्रॉब्लम। हाँ,
देखेंगे कैसे ये मूव होता है। देख लो, इसका सेकंड हाइपोथेसिस का सेकंड पार्ट मैं इवनिंग में अपलोड कर दूंगा, ओके, देख लो उसको। हाँ, ये ट्रेड में अगर गया तो 1200 के आसपास में जाएगा, अगर मिला तो मिनिमम 5000 के ऊपर तो मिलेगा ही। ओके चलो भाई, मिलते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस इज प्लेस्ड प्लेस्ड, ओके फाइन, अपसाइड मूव होना चाहिए। मैं इसका हाइपोथेसिस का वीडियो सेकंड पार्ट इवनिंग में डाल देता हूँ। चलो भाई, मिलते हैं, टेक केयर। लेवल करो, इंटरडे हाई ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ ವೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಓಕೆ ಚಲೋ ಫೈನ್ ಭಾಯ್। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाया है 1200 का स्टॉप लॉस है, दोनों मिला के स्टॉप लॉस जाएगा, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जाएगा। अगर गया तो 1200 ही जाएगा, कल हमने 16000 का प्रॉफिट बनाए थे, 1200 गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ओके फाइन, देखेंगे। हाँ, इसको देख लो भाई। हाँ, ये मत सोचो कि भाई स्टॉप लॉस नहीं होगा, एनालिसिस गलत है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस होगा। हाँ, नहीं तो एक रुपये डाला है तो मिनिमम चार रुपए मिलना चाहिए, मतलब 1000 रुपीज डाला है, मिनिमम 4000 तो मिलना चाहिए इसमें। हाँ, ओके, मिलते हैं, टेक केयर।